5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर महिला को मार पीट कर घर से निकाला। खबर पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां 5 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर ससुरालजनों ने महिला को मार पीट कर घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना पहुंचकर की है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार फरियादिया आरती जैन ने परिवारजनों के साथ थाना पहुंचकर बताया कि उसकी शादी 10 फरवरी 2022 को कोलारस में हुई थी, जहां शादी के शुरुआती 2 माह तक ठीक रखा, लेकिन 2 माह बाद आए दिन दहेज में 5 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बनाने लगे। जब फरियादिया ने पैसे लाने की मना किया तो पति, सास, ससुर और देवर ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी और फरियादिया को घर से निकाल दिया, जहां फरियादिया ने आप बीती परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी गढ़ों द्वारा लगातार दहेज की मांग करते रहे, जहां पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्रताड़ना सहित मारपीट सहित दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ मामला है? जी, बीते 1 वर्ष पूर्व पीड़िता फरियादिया का विवाह कोलारस हुआ था, जहां से कुछ समय तक तो उन लोगों ने अच्छे से रखा, कुछ समय बाद उससे 5 लाख रुपए दहेज में मांग करने लगे। पीड़िता द्वारा बार बार बताया गया कि मैं दहेज देने में सक्षम नहीं हूँ, जिस पर से ससुराल जन द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। अभी कुछ समय पहले उसका यहाँ पौरी आकर भी उसके साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की गई, तो आज पीड़िता फरियादिया द्वारा बहुत सहन करने के बाद थाने पर आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर मतलब दहेज प्रताड़ना और मारपीट की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है।